नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर 3 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे नर्सिंग के विद्यार्थी रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय के सामने शुरू किया 3 दिवसीय धरना। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। 3 साल से एक ही कक्षा में अध्ययनरत नर्सिंग कॉलेजों के बच्चे अब सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को जिले के नर्सिंग कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने नर्सिंग छात्र संगठन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय के सामने मिला ग्राउंड में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष एवं रामदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र वतन मिश्रा ने बताया कि जिले भर के नर्सिंग छात्र छात्राओं ने छत्रसाल चौराहे से महल तिराहा होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने मिला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो 3 दिनों तक चलेगा। प्रदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने हाई कोर्ट द्वारा उनकी परीक्षा पर लगाए गए स्टे को हटाने और 3 साल से एक ही कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा कराने अथवा उन्हें प्रमोशन देने की मांग की है। छतरपुर विधानसभा रिपोर्टर आकाश सैनी की रिपोर्ट।